मेरे को ऐसा लग रहा है कि एकदम शोरूम में आ गया हूँ जहाँ पे नई बाइक खड़ी है। अभी बहुत स्मूथ हो गया ना, अभी बहुत स्मूथ हो गया, देखने में भी पता लग रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और आई होप आपको लास्ट वीडियो पसंद आया होगा जो एसेसरीज वाला था। अभी उसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा, उसके बाद पूरा एक वीडियो बनाऊंगा कि हाँ ये चीज़ें बाइक में लेगी। एंड नाउ द बाइक इज टूरिंग रेडी, ठीक है। और आज जिस काम से मैं जा रहा हूँ वो यार बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। ज़रूरी नहीं आपके पास वी स्टॉम है या इंटरसेप्टर है, दिस इज़ फॉर ऑल बाइक लवर्स जो कि अपनी बाइक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और चाहते हैं कि उनकी बाइक का जो पेंट है वो हमेशा, जो कलर है वो हमेशा सिक्योर्ड रहे, ठीक है। यू गेस्ट इट राइट, आज हम जा रहे हैं PPF कराने वी स्टॉम 650 पे। घर के पास ही जा रहा हूँ, ग्रेटर नोएडा में कार स्पा, और वहाँ पे जाके सारी चीज़ें जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि कौन सा PPF आपको कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए, और PPF के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, और हम कौन सा लगवाते हैं। तो ठीक है, बिना देरी करे हुए जल्दी से जाते हैं क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। मेरे से पहले दो गाड़ियाँ और आई हुई हैं वहाँ पे, तो मुझे किसी तरीके से जाके अपना काम कराना है पहले। तो आपसे मिलते हैं सीधा नीचे, चलिए। कैसे हो? बढ़िया। चलो जी, गुड मॉर्निंग। बेसमेंट से निकल चुके हम और अभी मैंने विंडशील्ड को एकदम नीचे कर रखा है। वो मतलब आप प्रॉपर हाईवे पे जब टूरिंग कर रहे हो उस टाइम सही है, वरना सिटी में नीचे रखने के सही है। स्टिकर कल मैं निकालना भूल गया एक्साइटमेंट में, मैंने वीडियो में देखा स्टिकर आ रहा था, तो स्टिकर अभी मैंने उतारा सबसे पहले यहाँ पर रेड कलर का, उससे बड़ा डिस्टॉर्शन हो रहा था। चलो जी, वाह क्या मज़ा आ रहा है भाई साहब बाइक चलाने में। और अभी इसके बाद अपना वही दो चीज़ें रह जाएंगी, सैडल और आपका क्रैश गार्ड। कुल मिला के भाई साहब मज़ा आ रहा है, दो तीन दिन से जब से बाइक आई है मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे को ये भी जान के बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों को मेरा डिसीज़न पसंद आया वी स्टॉम 650 लेने का, जो मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि एक वीडियो आएगा कि वी स्टॉम ही क्यों। 37 डिग्री दिखा रहा है अभी, मगर यार बहुत गर्मी लग रही है। और ये अपनी जो ग्रेटर नोएडा से बुलंदशहर के लिए रोड जाती है, यहाँ पे ट्रैफिक आपको ऐसा ही मिलता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा होता है। अभी तो एक आधा घंटा हम थोड़ा जल्दी निकलें, 12 बजे के पास आप यहाँ पे आ जाओ, और इतना दावड़ तो ट्रैफिक मिलता है कि कुछ कहने की हद नहीं है। आराम आराम से चल रहे यार। एक तो ये ना किलोमीटर्स नहीं बताती, सीधा बताती है गूगल वाली आंटी के यहाँ पे ले लो, ये नहीं बताएगी कितनी देर बाद। ये आ गए भाई, आ गए। बहुत दूर था यार, मुझे लग रहा था पास है। वैसा मैं डर गया, पता नहीं क्या आवाज़ आई, मुझे लगा पता नहीं कौन सा व्हीकल साथ से आगे आ गया। चलो जी फाइनली पहुंच गए। गुड सर, गुड, बढ़िया है सर, आप बताइए। तो अभी जो ये वाला पार्ट है ब्लैक वाला, ये खुलेगा और ताकि PPF सारा अंदर तक सही से लग जाए। कितना टाइम लग जाएगा टोटल होने में? बाइक तो कल ही मिलेगी ना मेरे को, कह रहे हैं बाइक कल बोल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम रखना पड़ता है देखने के लिए कि कहीं से कॉर्नर वगैरह निकल रहा है या कुछ नहीं हो रहा। हाँ हाय, तो मेरे साथ है सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी कैसे हैं आप? गुड गुड सर, गुड। तो सिद्धार्थ जी थोड़ा सा हमको ये बताएंगे कि अभी हम कौन सा वाला PPF मतलब इस पे अपनी बाइक पे लगा। बेसिकली सर वी एज अ ब्रांड कास्पा वी यूज एजेस विद ऑफिशियल टायर विद एजेस एंड द फिल्म व्हिच वी आर अप्लाइंग टुडे इज आर्मर व्हिच हैज अ लाइफ ऑफ 5 इयर्स व्हिच इज प्योर TPU। द बेस्ट क्वालिटी इज TPU which is protecting you against rock chip, self healing, high gloss, UV protection, anti yellow, anti crack. So all these features have been taken care of. So we purely deal only with Aegis. So we avoid the outer film which are made of TPH or PVC or all those stuff. So armor is the best product. Aegis ka armor. This is the product which we'll install on our bike. Yes. और इसकी मतलब रेटिंग वगैरह कुछ होती है ऐसी? सर वी हैव ऑल द टेस्टेड पैरामीटर्स विद अस, ऑल टेस्टेड एंड सर्टिफिकेट्स एंड एवरीथिंग जी।
एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ऑनलाइन वारंटी विच विल बी कमिंग इन योर नेम फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो अच्छा है सर, क्योंकि मेन यही रहता है ना कि जैसे आप अपनी बाइक को या कार को एक्सपोज कर रहे हो सनलाइट में या किसी भी सिचुएशन में, तो उसमें वो प्रोटेक्ट कितने टाइम तक करती है, क्योंकि कुछ जैसे येलोइश पड़ जाती है पीपीएफ। बिकॉज़ ऑफ आई टेल यू देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर मिथ हैपनिंग इन द ऑटो इंडस्ट्री बिकॉज़ वी आर पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। आई टेल यू द रीजन बीइंग चूजिंग दिस एंड ओनली स्टिकिंग टू दिस इज द क्वालिटी। वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, रादर कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो सेलिंग पीवीसी which a normal customer cannot make out. If I give you 2 samples of the film, you can't make out which is armor. Yes, definitely I can't make out because last year I've been to the market and they applied lamination on my bike and I couldn't see that it's a lamination or it's a PPF. So there are lot of things which even in ceramic coating. Yeah. So both are the paint protection world. So both have lot of Google give up, coops up. So we too avoid all that. Yeah. So we say simply go to an authorized detailer, get a quality job done on papers. So nothing is which is only being said out, the quality will speak itself. So once you get the job done, you will see years and years, and we are always at the service. Definitely sir, thank you so much. Thank you, my friend. So abhi ye side wala utar gaya bike ka. तो पूरे बाइक पे मतलब आराम से काम हो सकता है। तो अभी बाइक के जो साइड फ्लैप्स थे और जो पीछे का ग्रैब रेल था वो सारा ओपन कर दिया भैया ने। और अभी पहला स्टेप क्या रहेगा भाई साहब इस पे? पहला स्टेप रहेगा सर, हम इस पे क्ले मारेंगे जो इस गाड़ी क्ले जी अच्छा मिट्टी वाली वो क्ले होती है। हाँ जी क्ले मारेंगे, थोड़ा रफनेस हो गया ये। हाँ जी इसके ऊपर रफ हो गया और वो रफ को हटाएंगे, उसके बाद हम इस पे मशीन चलाएंगे कंपाउंड करेंगे। अच्छा कंपाउंड करने के बाद पूरा देख के चेक करके फिर हम अच्छा मतलब अभी उससे पहले 2-3 स्टेप बाकी हैं। हाँ, चलो 3 स्टेप में लाइट आ गई, शुक्र है, गर्मी हो रही है तगड़ी एकदम। तो हमारा ये फर्स्ट स्टेप अभी क्ले का रहेगा। हाँ हाँ उसके बाद हम इसको पीपीएफ करेंगे। अच्छा लास्ट स्टेप हमारा पीपीएफ है, उसके बाद फिर हम इसको बाहर खड़ा करेंगे सनलाइट में ताकि वो सही से एकदम स्टिक हो जाए, मतलब होल्ड कर ले अपनी पोजिशन। अभी बहुत स्मूथ हो गया ना, अभी बहुत स्मूथ हो गया, देखने में भी पता लग रहा है। हाँ, अभी आप हाथ से फील करो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ इस पे कुछ हुआ है। और जब इस पे हाँ एकदम मतलब एकदम सॉफ्ट हो गया एकदम। हाँ, आप पहले थोड़ा सा मैं हाथ लगाया था ना ऐसे हाथ फर्स्ट थोड़ा, हाँ, थोड़ा इतना ज्यादा तो नहीं मगर थोड़ा खुरदुरा सा हो रहा था। हाँ, अभी मतलब एकदम ऐसा रफनेस टाइप आ रही थी, अभी बिल्कुल ऐसा स्मूथ हो गया। अभी इससे पहले जो हमने क्रीम लगाई थी अब उसको उतारने का प्रोसेस है, क्योंकि वो अगर लगी रहेगी तो पीपीएफ इस पे होल्ड नहीं करेगा। और उसको कितनी देर लगा के छोड़ते हैं जो इससे पहले लगाई थी हमने क्रीम लगाई थी जो नहीं उसके 15 मिनट मतलब वो थोड़ी देर के लिए लगाते हैं ताकि सॉफ्टनेस आ जाए, उसके बाद हम उसको वॉश आउट कर देंगे। ये टीपीयू की शीट है ना, बीक वाला है ना। और
और सबसे अच्छी चीज़ रही कि हमें कटिंग नहीं करनी पड़ी, पूरे टैंक पे एक ही पीस लग गया है ना। क्योंकि जब नॉर्मली क्या होता है ना, टैंक जो होता है बाइक का उस पर तीन पीस में लगता है, एक इधर एक उधर और एक बीच वाला पीस, मगर भैया ने हमारे टैंक पे पूरा एक ही सिंगल पीस लगाया विदाउट एनी कट। तो भाई साहब इतनी तगड़ी गर्मी हो रही है ना, मैं कैब करके आ गया घर और बाइक मिलेगी हमारी कल। तो जैसे उन्होंने बोला बाइक आपकी कल मिलेगी, मेरे को एकदम से झटका सा लगा। खैर पता तो मेरे को पहले था, आई होप आप ये फीलिंग समझ पाएंगे। जब कोई बाइक छोड़ने को कहता है, बाइक छोड़ना यार एक अलग ही वो रहता है, मगर ठीक है हमारे बेनिफिट के लिए PPF सही से होल्ड हो जाएगा, बाकी डिटेलिंग कल होगी उसकी। और बाइक हमको मिलने वाली है एक नंबर, जो PPF लगा है ना कार्सपा ने वो यार बहुत सही है, TPU लगाया है एजिस कंपनी का, इट्स वन ऑफ द बेस्ट। तो बाकी सारी कॉस्टिंग और सारी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करते हैं, अभी घर चलता हूँ खाना खाता हूँ, क्योंकि सुबह से एक स्लाइस खा के गया था ब्रेड का और एक पैनकेक बस। तो अभी चलते हैं, आ गया मैं ऊपर और आप लोगों से कल मिलता हूँ, इसी वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे, सी यू गाइस टुमारो। तो अभी चलते हैं, देखते हैं बाइक की क्या पोजीशनिंग है और आपको सारी चीज़ें एक बार से फिर से दिखाता हूँ। चलिए, ये पूरा रूम है अंदर, यहाँ पे थोड़ा डार्क होगा क्योंकि लाइट मेरे ऑपोजिट है। सो हियर इज़ द बाइक, यहाँ पे अपनी बाइक और मतलब बाइक का जो लुक है ना वो एकदम चेंज हो चुका है। आई एम वेरी हैप्पी यार, मतलब मज़ा आ गया, मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी जितना काम हुआ है, डिटेलिंग सारी चीज़ें हो चुकी हैं और तो PPF इज़ लुकिंग सो ग्रेट। सबसे अच्छी चीज़ एक ही शीट लगी है, शीट को कट नहीं करना पड़ा और बाकी सारी चीज़ें आप देख ही सकते हैं। बीक्स पे कराया मैंने और जो टैंक है, बाकी जो मैट वाला पार्ट दिख रहा है आपको इनको ऐसे ही छोड़ दिया है। और डिटेलिंग आप देखिए कितनी सही तरीके से करी है, इंक्लूडिंग क्लीनिंग ऑफ द टायर्स एंड एवरीथिंग। थोड़ा यहाँ से दिखाता हूँ, टायर के जो ये वाले पार्ट हैं ये भी इन्होंने एकदम चमका दिए यार, कसम से वंडरफुल जॉब डन बाय कार्सपा। इधर से दिखाता हूँ थोड़ा सा बाइक को आपको, लुक एट द बाइक नाउ, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि एकदम शोरूम में आ गया हूँ जहाँ पे नई बाइक खड़ी है। तो काफ़ी अच्छा काम हो गया यार, और जब आप पैसे खर्च करते हो ना और उसमें आपको रिज़ल्ट अच्छा मिले तो यार वो मतलब अगर आपने दो पैसे एक्स्ट्रा भी खर्च करे ना तो वो वर्थ लगता है। और कहीं पे आप अगर सस्ते में भी काम करा रहे हो और वो काम भी अच्छा ना हो ना तो और ज़्यादा दुख होता है, तो आदमी सोचता है कि यार दो पैसे लगा के ही सही काम करा लेता। और ऐसा नहीं है कि कॉस्टिंग कोई मतलब इसने मेरी पॉकेट में होल कर दिया है, बहुत ही मिनिमल कॉस्टिंग में हुई, जो मेरे को बाहर कोटेशन मिल रही थी ना उससे हाफ़ से भी कम प्राइस में हुआ है। प्राइस मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा, ठीक है। अभी बिलिंग कराते हैं उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा है और बाइक का जो मेन काम था PPF का वो फाइनली हो गया। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे लोग हैं। और अभी एक बार मेरे को फिर आना है, क्योंकि अभी बताता हूँ, जब भी आप PPF कराते हैं उसके 72 आवर्स में प्रॉपर उसकी होल्डिंग हो जाती है, और एक बार अगर आप अच्छी जगह से कराएंगे तो डेफिनेटली वो लोग आपको बुलाएंगे चेकअप करने के लिए कि क्या उसकी पोजीशन है, कहीं से कॉर्नर से निकल तो नहीं रहा, कुछ एक्स्ट्रा बबल्स तो नहीं है। क्योंकि देखिए यार, हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी PPF होता है आप जब बाइक पर कराते हैं, कार पर कराते हैं, तो ये मैनुअल काम मतलब हाथों से होता है, कारीगर होते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो करते हैं, तो थोड़ा बहुत 19-20 कुछ ना कुछ रह जाता है या कुछ ना कुछ होता है जो आपको वो लोग बुलाते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन गो एंड गेट इट चेक्ड, और उसके बाद सारी चीज़ें ठीक रहती हैं। तो अभी मेरे को सर ने बुलाया है मंडे को वापस से, तो वापस ला के इनको पोजीशनिंग एक बार जो प्रोफेशनल है फिर से चेक करेंगे कि क्या पोजीशन है, कहीं पे बबल हैं तो नहीं, क्योंकि एक दो जगह पे छोटे छोटे से बबल जो होते हैं वो सेल्फ हील हो जाते हैं, क्योंकि जो हमने कराई है फिल्म TPU इसमें सेल्फ हीलिंग होती है, तो ये 72 आवर्स में सेल्फ हील हो जाता है जो बबल होता है। अगर थोड़ा बहुत कुछ रह जाता है तो उसको चेकअप में रेक्टिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है जी। तो अभी हम लोग चल रहे हैं घर, गर्मी हो रही है ताबड़ तोड़, लू चल रही है भाई आजकल लू। चलो यार घर चलते हैं जल्दी से, और चल के कुछ ठंडा पीता हूँ तब जाके थोड़ी सांस में सांस आएगी।
डिहाइड्रेटेड ना होने दो भाई बॉडी को, यही है। मैं जब घर से चला था तब भी कम से कम 1 लीटर पानी पी के चला था, क्योंकि मुझे पता था बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है। और इस गर्मी में यार मतलब अवॉइड ही करो थोड़ा अगर निकलना, मतलब काम हो सकता है, देखो काम है तो जाना ही पड़ेगा। जैसे मेरा काम था, जाना तो है, जाना ही है, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। मगर अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो अभी 2-3 दिन, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। ये जो आपका वेदर डिपार्टमेंट है वहाँ से भी वो आई है एक वार्निंग कि 2-3 दिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज होगा, तो थोड़ा सा अवॉइड ही करें। और छोटे बच्चों को तो बाहर ले जाना इस वेदर में अप्रोप्रिएट है ही नहीं। ये भाई साहब अपना लास्ट ईयर का वीडियो जंस्कार वैली का, और ये लास्ट मतलब राइड थी अपनी जो स्नो में थी। इसके बाद इस साल तो हम लोग लद्दाख वगैरह नहीं जाने वाले, और कुछ चल रहा है प्लानिंग, बस बाइक की तैयारी पूरी हो जाए उसके बाद निकलते हैं। ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट था वीडियो का, क्योंकि सारी ब्लैक आइस पड़ी थी और निकलना बहुत मुश्किल था यहाँ से। और मेरे को कम से कम आधा घंटा इन लोगों ने रोक के रखा, फिर सिग्नल दिया था गिरूंगा तो उठा ले। और मैं इस भाई को बोल रहा हूँ कि गिरूंगा तो भैया उठा लेना और उसको सही से समझ भी नहीं आया, मतलब उसने ऐसी सर हिला दिया। तो आज का PPF वाला वीडियो आई होप आपको पसंद आया, और जो क्वेश्चन वगैरह हो PPF से रिगार्डिंग वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी 3 दिन बाद हम लोग फिर जाएंगे PPF की जो सिचुएशन है मतलब वो दिखाने के लिए उनको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बबल्स आ जाते हैं और कोई जो कॉर्नर्स होते हैं वो रह जाते हैं, तो वो एक बार विजिट करनी पड़ती है। और ये बात आप ध्यान में रखना, किसी भी अच्छी जगह से आप कराएंगे ना, वो आपको ज़रूर बुलाएंगे 3 दिन बाद चेक करने के लिए। तो ये एक गुड पार्ट है, मतलब एक अच्छा पार्ट है कि हाँ वो लोग केयर कर रहे हैं आपकी बाइक की, आपकी कार की। ठीक है जी, तो बाकी अपनी राइड की प्लानिंग फुल एकदम चालू है, बस अपने क्रैश गार्ड लग जाए उसके बाद राइड पे आएगा मज़ा। मैं खुद यार बहुत एक्साइटेड हूँ राइड पे निकलने के लिए, बस रुका हुआ हूँ क्रैश गार्ड के लिए, क्योंकि बाइक हैवी है तो क्रैश गार्ड ट्रिप पे आई थिंक मस्ट रहता है, काफ़ी वो उससे प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। ठीक है जी, और अब पहुँचा हूँ मैं शिंकुला पास वीडियो में, अब शिंकुला पास पहुंच गया था। ठीक है जी, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में कुछ बहुत बढ़िया धमाल होने वाला है, वो आपको देखने को मिलेगा आई थिंक परसों। तो टिल देन यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मैं सोचता हूँ हर बार ना बोलूँ मगर मजबूर हूँ, आदत से बोलना ही पड़ता है। ठीक है जी, यू गाइस टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।